अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हम अपने कंप्यूटर्स की बैकलिंक प्रोफाइल किस तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे किसी चीज़ के रिलेटेड कीवर्ड है तो वो आपको गूगल पे सर्च करना होगा। जैसे मेरा हो सकता है कीवर्ड बेस्ट बजट ग्राफिक कार्ड्स। अब ये सारे कंपटीटर्स हैं, मैं से इसको फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ और एचरेस में जाके यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपने मोर कंपटीटर्स फाइंड करने हैं तो आप यहाँ पे कंपटीटिंग डोमेन्स पे जा सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कंपटीटर्स आ गए हैं, आगे आप इनको मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, इनके कंपटीटर्स देख सकते हैं। उसके बाद आपने रेफरिंग डोमेन्स में जाना है, ये इसकी डोमेन्स है, और सॉरी बैकलिंक्स में जाना है। बैकलिंक्स में यहाँ से आपने वन लिंक पर डोमेन सेलेक्ट करना है और इसको एक्सपोर्ट कर देना है, फुल एक्सपोर्ट क्लिक करके। उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो वहाँ से ही ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने 32 तक किया था, गलती से लास्ट टाइम वॉइस म्यूट हो गई थी, मुझे पता नहीं चला, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी थी तो वो दोबारा बनाई नहीं जा सकती थी। मैंने कहा तो था बनाने का, लेकिन वो थी इतनी लंबी तो मैंने सोचा कि दोबारा न्यू ही बना देता हूँ। इसमें जो कुछ बताया था पिछली वीडियो में वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई आया तो दोबारा वो आपको बताऊंगा, और उसका तो वो जो पहले बताया था वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। तो ये एक लग रही है ब्लॉग डायरेक्टरी, अब देखते हैं इसमें किस तरह सबमिट होगा। सबमिट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर देते हैं, आगे वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ अपने से बना के लिख देता हूँ यहाँ अपनी वेबसाइट के बारे में।
रेसिप्रोकल लिंक्स का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इनको आप किस तरह सही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ आप अपना पेज जो होगा आपका अबाउट अस वगैरह, वहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे एक न्यू हेडिंग क्रिएट करें। यहाँ पे आवर पार्टनर्स, यहाँ भी ये लिंक आ गया। अब हम इस पेज का लिंक कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये आप 1-2 माह बाद इसे रिमूव भी कर सकते हैं या 1 वीक बाद, ये जब आपका कंफर्म हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फिर आप इसे चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लिंक पे जाएंगे। ये तो रेलिवेंट लग रहा है। ओके, मेरे ख्याल से इसमें आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो डिस्कवर सॉरी रिमूव कर दिया। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इसमें कोशिश करनी है कि हमने रेलिवेंट पे बनाए जो हमारी नीड से रेलिवेंट हो, तो ये ज़्यादा अजीब लगे वो आप बेहतर ये एक नाम लाएं।
अगर कोई कमेंट बैकलिंक हो तो आपने कोशिश करनी है कि जो लेटेस्ट पोस्ट हो ना उसके अंदर पोस्ट करना है, ताकि वो गूगल जब उसको क्रॉल करे तो वो इंडेक्स भी हो जाए। यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट कर देते हैं। अपने कमेंट को नेचुरल बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछें आप जो राइटर है पोस्ट का, और कोशिश करें कि पोस्ट को भी पढ़ लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कमेंट लिखने किस बारे में है। यहाँ पे हम अपनी पोस्ट का, सॉरी, वेबसाइट का लिंक, पोस्ट कमेंट, ओके, सो हमारी कमेंट पोस्ट हो गई है। और उम्मीद है कि अप्रूव भी हो जाएगी बहुत जल्द। उसके बाद द नेक्स्ट वन, एक गलती जो मैंने देखी है लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन चली जाती है, वो ये कि वो एक कमेंट लिख लेते हैं और उसे हर जगह पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह तो वो ज़्यादातर स्पाम में चला जाता है और अप्रूव भी नहीं होता, और आपकी रैंकिंग भी डाउन चली जाती है। तो आपने सिर्फ कुछ करनी है कि हर दफ़ा यूनिक लिखें और टॉपिक के रेलिवेंट लिखें।
और नेम की जगह अपना कीवर्ड नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ अपना नेम लिखना है। ईमेल आप गलत भी लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल सही लिखने का ये फायदा होता है कि आपकी इमेज फेच हो जाएगी, और अगर नहीं हो रही तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, वर्डप्रेस वालों की सर्विस है, वहाँ पे फिर शो होगा। इसको भी इसके नीचे पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पोस्ट कर दें, उसके बाद अपडेट, अब फिर वहाँ पे जाएं और पेज का लिंक कॉपी कर लें, लिंक अब वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, अब सबमिट कर दें। मेरे ख्याल से पोस्ट हो गया, अब टू द नेक्स्ट वन। और यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि ये स्कॉलरशिप का रिलेटेड है, अगर आपका स्कॉलरशिप का है तो फिर शायद आप यहाँ पे पोस्ट कर सकें। आपको इन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तो फिर आपकी भी ऐड कर देंगे। इसके बाद
फोरम्स, फोरम्स मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद तो द नेक्स्ट वन, यहाँ पे तो आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, राइटर से आर्टिकल लिखवाना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट कर पाएंगे। चलें इसको तो एक दफ़ा इग्नोर करते हैं। उसके बाद टू द नेक्स्ट वन, I always wanted to learn karate. सबमिट, अच्छा एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि एक दिन में कितने बैकलिंक बनाने चाहिए। तो उसका आंसर यही है कि आप पर्सनली, मेरा ख्याल यही है कि आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कमेंट्स को ही ले लें तो इन्हें पोस्ट होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये पहले पेंडिंग में दो दो तीन तीन माह तक भी पड़े रहते हैं कभी कभी।
ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे थे तो उसके बाद ये देखेंगे. पे हम साइन अप कर सकते हैं. 1 मिनट. फॉरम का प्रोसीजर काफ़ी लंबा है इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे. मैंने ट्राई किया है लेकिन इसमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं. तो DMCA का क्रिएट करने के लिए आपको इनका बैज लगाना पड़ेगा, DMCA प्रोटेक्शन का. पहले साइन अप करेंगे फिर उसके बाद ऐड साइट. यहाँ पे अपनी डोमेन की URL लिखें. यहाँ पे क्लेम हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी HTML. अब फाइल मैनेजर में जाएं और इसे अपलोड कर दें. उसके बाद वैलिडेट फाइल होगी. यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे एड्रेस सेव.
उसके बाद आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा बैज। बैज के लिए आप यहाँ से विजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें शो हो रहा है। उसके बाद टू द नेक्स्ट वन। ये एक चाइनीज फोरम लग रहा है, इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद फोरम पे साइन अप कर लिया, उसके बाद जो आपके रेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल दिस वन। उसके बाद हम कर देंगे पोस्ट रिप्लाई, और ये आप देख सकते हैं कि ये है नो फॉलो। तो मेरे ख्याल से कुछ जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए नो फॉलो है, जो ओल्ड यूज़र्स होते हैं उनके लिए डू फॉलो होता है। उसके बाद ये और भी फोरम्स हैं, इन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। विकिपीडिया का तो ऑलरेडी पता होगा आपको, स्टीमिट का भी पता होगा। उसके बाद फिर फोरम्स, फोरम को एक दफ़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनका प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है। फोरम के काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर लंबा है, इसलिए मैं उसको स्किप करके कुछ कर रहा हूँ कि आपको जो मेन पार्ट है वही दिखाऊं। ये जीपीयू के रिलेटेड मैंने एक टॉपिक खोला है, लैगिड ग्राफिक कार्ड का। तो
अब यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, ओके सो यहाँ से तो लगता है मैं पहले ही बैन हूँ। फॉरम का एक ये भी सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप यहाँ के रेगुलर बंदे नहीं हैं तो वो आपको बैन कर देंगे। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन शैल वी।
आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो इंशाल्लाह मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। ये सेकंड पार्ट था ट्यूटोरियल का, अगर उम्मीद है कि आपको मेरे न्यू ट्यूटोरियल भी पसंद आएंगे। तो लास्ट ट्यूटोरियल में तो प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ट्यूटोरियल के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है ट्यूटोरियल के बारे में तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अल्लाह।